धनबाद के टुंडी स्थित आसन डाबर कदैया स्थित लाल मणि वेदा सेवा आश्रम में आज GMCKS संस्था के सदस्यगण आश्रम आए और वृद्ध लोगों से मुलाकात की एवं उनका हाल चाल जाना एवं उन लोगों को खाने की सामग्री भी दी। अच्छा लगा, चीज़ों की कमी है बट लोगों का सहयोग है और जो स्टाफ लोग का यहाँ पे काम है वो बहुत अच्छा है, सबको मिलकर काम कर रहे हैं, टीम वर्क अच्छा है। क्या कहेंगे लोगों को, धन्यवाद के लोगों को, सबको मिलकर हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प करने की जरूरत जरूरत है। KP सिन्हा और उनके दोस्त सुबोध सिन्हा आश्रम आए और आश्रम के वृद्ध लोगों से मिले और उन लोगों को फल भी बांटे और लोगों से मिलकर काफी खुश हुए। वहीं KP सिन्हा ने कहा कि यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों से कहा कि अगर एक बार इस आश्रम में जरूर आए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा और हम कोशिश करेंगे कि और लोग यहाँ इससे जुड़े। आज आपने फल भी बांटा है। वहीं आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी ने कहा कि मैं आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि वे लोग यहां आए और यहां के लोगों से मिले। आज लाल मणि वृद्धा सेवा आश्रम में हीरापुर से कुछ लोग आए, मटकुरिया से सर आए हैं, KP सिन्हा जी, सुबोध सिन्हा जी, हमारे आश्रम का भी है। आज बहुत अच्छा लगा और बहुत सी देने के लिए। लाल मणि वेदा सेवा आश्रम के नाम से चल रहा है जहां पर कई ऐसे लोग आते हैं जिनके बेटों ने अपने बुजुर्ग माता पिता को निकाल दिया घर से, वो ये पूरी टीम नौशाद, कार्यकारिणी अध्यक्ष मोहम्मद सुधीर, सुरेंद्र यादव, विजय सिन्हा जैसे लोग हैं जो वो वहां पर ले जाते हैं, लाल मणि वृद्धा सेवा आश्रम में रखते हैं, उनका देख रेख करते हैं और कई ऐसे धनबाद के ही लोग हैं जो उनकी मदद करते हैं, चाहे वो पैसे से हो, दाल हो, चावल हो, आटा हो, गेहूं हो, इस तरह की मदद वहां तक पहुंचाई जाती है जहां पर टुंडी स्थित में ये आश्रम है। आपसे भी निवेदन है कि अगर आप भी अपनी तरफ से कोई मदद उस आश्रम में करना चाहते हैं तो जरूर करें, क्योंकि वहां पर ऐसे कई बुजुर्ग लोग हैं जिनकी सेवा करके आप बहुत खुशी महसूस करेंगे। इस आश्रम के बारे में ये कहा जा सकता है कि जितने भी बेटों ने अपने बुजुर्ग माता पिता को घर से निकाला है तो ये 5-6 लोग ऐसे हैं जिन उनकी बेटा बनकर के सेवा करते हैं।